तो आज सुबह क्या हुआ मेरे बहुत पुराने दोस्त शर्मा जी घर पे आए बोले मैन्यू तुम कंप्यूटर चलाना जानते हो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो जानते ही हूँ बताइए क्या बात है तो अपना कीबोर्ड मेरे सामने रख के कहते हैं कि देखो इस कीबोर्ड को पिछले दो साल से यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि यहाँ पर चलो अल्फ़ाबेटिकल जो कीज़ हैं वो दी गई हैं ये जो कीज़ हैं इधर ये नंबर टाइप करने के लिए दी गई हैं स्पेस दिया गया है एरो कीज़ दी गई हैं सारी चीज़ें मैं चला लेता हूँ लेकिन मुझे ये बताओ कि ये एफ़ वन से लेकर एफ़ तक की जो कीज़ हैं इनका यूज़ किया है ये क्यों इस कीबोर्ड में दी गई हैं? तो मैंने कहा आपको इनका यूज नहीं पता बोले बिल्कुल भी नहीं पता है तो मैंने कहा कि अगर इन कीज़ का यूज आप सीख गए तो आपके बहुत सारे जो काम हैं कंप्यूटर के अंदर वो बहुत आसान बन सकते हैं नमस्कार मैं अभिनी भरद्वाज आपका स्वागत करता हूं माई बिग गाइड स्मार्ट क्लास में उस चैनल पर मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता रहता हूं तो अगर आपको ऐसे ही ज्ञान के वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए यहाँ पे नीचे बटन दिया गया है बेलाइकन भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और अगर पुराने हमारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं वर्ड एक्सल पावर पॉइंट फोटोशॉप विंडोज के टिप्स एंड ट्रिक्स अगर नहीं देखे हैं तो वहां जाके आप देख लीजिए बहुत सारा ज्ञान बिखरा पड़ा है जल्दी से बटोर लीजिए चलिए आप शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को देखो लाइफ में शॉर्टकट लेना हमेशा अच्छा नहीं होता है लेकिन कंप्यूटर में शॉर्टकट लेना बहुत अच्छा होता है ये आपका बहुत सारा टाइम बचाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आपको कीबोर्ड के माध्यम से ही करने की सुविधा देते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं एफ की की एफ की सभी सॉफ्टवेयर्स में हेल्प विंडो ओपन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास एम एस वर्ड ओपन है और हम यहाँ पर सिंपल एफ़ वन की को प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि एम एस वर्ड की जो हेल्प है वो ओपन हो गई है इसी तरीके से अगर आप गूगल क्रोम ब्राउज़र में और यहाँ पर अगर आप एफ़ वन प्रेस करते हैं तो आप गूगल क्रोम के हेल्प सेंटर में पहुँच जाएंगे लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का हेल्प सेंटर खोलने के लिए आपको विंडोज़ बटन के साथ में एफ़ वन की को प्रेस करना होगा और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का जो हेल्प सेंटर है वो ओपन हो जाएगा जो भी विंडोज़ आपके सिस्टम में आपने इंस्टॉल कर रखी होगी इसके अलावा एफ़ वन की का उपयोग जिस समय आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं उस समय सीमोस में एंटर करने के लिए भी किया जाता है अब बात करते हैं एफ़ टू की एफ़ टू की, की का उपयोग किया जाता है किसी भी सिलेक्टेड फाइल को झट से रीनेम करने में किसी भी फाइल को रीनेम करना होता है तो आप जनरली आप उस पर राइट क्लिक करते हैं रीनेम पर जाते हैं लेकिन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आप फाइल को सिलेक्ट कीजिए एफ़ टू प्रेस कीजिए और झट से उसे रीनेम कर दीजिए एक साथ भी अगर आपको सारी फाइलें रीनेम करनी तो सभी को सेलेक्ट कर लीजिए एफ़ टू प्रेस कीजिए और कुछ भी अगर आप वहाँ पर नाम देंगे और एंटर करेंगे तो सारी फाइलें एक साथ में रीनेम हो जाएंगी F2 की का एम एस एक्सल में बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल है अगर आपको पहले से टाइप किए हुए किसी सेल में उसके पीछे कुछ टाइप करना है तो आप F2 की प्रेस करके ही टाइप कीजिए यहाँ पर आप देखिए दोनों सेलों में माई बिग लिखा हुआ है पहले सेल में हम माई बिगेड के पीछे डॉट कॉम और लगाना चाहते हैं तो अगर हम बिना F2 की प्रेस किए यहाँ पर डॉट कॉम लगाते हैं तो आप देखेंगे माई बिगेड हट गया है और केवल डॉट कॉम आपको डिस्प्ले हो रहा है लेकिन अगर आप दूसरे सेल में पहले F2 की प्रेस करेंगे और फिर डॉट कॉम लगाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर वो जो टेक्स्ट है उसके पीछे आ गया है इसके अलावा एम एस वर्ड और एक्सल में अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो सिर्फ आप ऑल्ट और कंट्रोल के साथ एफ़ टू को प्रेस कीजिए और आप देखेंगे यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट विंडो है वो ओपन हो जाएगी और आप वहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप चाहे एम एस वर्ड इस्तेमाल करते हो या एक्सेल इस्तेमाल करते हो कंट्रोल के साथ में अगर आप एफ़ टू प्रेस करेंगे तो आप सीधे सीधे प्रिंट रिव्यू विंडो पर पहुंच जाएंगे और यहां से आप प्रिंट रिव्यू देख पाएंगे अब बात करते हैं एफ थ्री फंक्शन की की तो सबसे पहले एफ थ्री का यूज़ कर लेते हैं एम एस वर्ड में यहाँ पर केस चेंज करने के लिए एफ़ थ्री का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी पैराग्राफ को या लाइन को सेलेक्ट कीजिए शिफ्ट के साथ में एफ थ्री प्रेस कीजिए और देखिए यहाँ पर आप एफ थ्री के इस्तेमाल से अपने किसी भी लाइन या लेटर का केस चेंज कर सकते हैं उसे कैपिटल में स्मॉल में बड़े आराम से बदल सकते हैं अगर आप विंडोज़ में कहीं भी एफ़ थ्री प्रेस करते हैं तो आप विंडोज़ के अंदर सारी फाइलों को बड़े आराम से सर्च करा सकते हैं आप देखेंगे यहाँ कॉर्नर में सर्च बॉक्स में आपका जो कर्शर है वो आ गया है बस आपको कुछ भी टाइप करना है और वो जो सर्च है वो शुरू हो जाएगी इसी तरह से अगर आपको इंटरनेट के किसी पेज पर कुछ सर्च कराना है तो आप एफ़ प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको ऊपर सर्च बॉक्स दिखाई दे जाएगा बस आपको कोई भी शब्द टाइप करना है और यहाँ पर आप देखेंगे वो शब्द कितनी बार इस पेज में इस्तेमाल किया गया उसकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी इन दोनों बटन्स की सहायता से आप उन सभी शब्दों पर सीधे सीधे पहुँच सकते हैं आप देखेंगे वो जो लेटर आप ऊपर टाइप करेंगे वो यहाँ पर हाईलाइट होने लग जाएंगे अब बात करते हैं एफ़ फंक्शन की की अगर आप माइक्रोसॉफ़्ट का एज इंटरनेट ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो F4 फंक्शन की से आप सीधे सीधे अपने एड्रेस बार में पहुंच सकते हैं इसके अलावा अगर आप अपने विंडोज़ एक्सप्लोर में हैं वहाँ भी F4 फंक्शन की आपको आपके एड्रेस बार में ले जाती है और यहाँ पर आप कोई भी पाथ बड़े आराम से टाइप कर सकते हैं और वहाँ पहुँच सकते हैं अगर आप ऑल्ट के साथ में F4 फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं तो आप बिना क्लोज़ किए विंडोज़ को F4 की से क्लोज़ कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी विंडोज़ एक्टिवेट नहीं है और आप अपने सिस्टम को शटडाउन करना चाहते हैं तो फिर दोबारा से ऑल्ट के साथ F4 की को प्रेस कीजिए और आपके सामने एक शटडाउन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा यहाँ से आप शटडाउन हाइबरनेट स्लीप कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल करके सीधे यहाँ से शटडाउन कर सकते हैं बिना स्टार्ट मेन्यू पर जाए अब बात करते हैं एफ़ फंक्शन की की इसका इस्तेमाल विंडोज़ में और इंटरनेट पर रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है अगर आप किसी भी पेज को रिफ़्रेश या रीलोड करना चाहते हैं तो सिंपल आप F5 को प्रेस कीजिए और कोई भी पेज आपका रिफ़्रेश हो जाएगा इसी तरीके से विंडोज़ में जब आप रिफ़्रेश करते हैं आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ F5 प्रेस करना है और आप रिफ़्रेश कर पाएंगे एमएस वर्ड में एफ़ फाइव प्रेस करने पर फाइंड रिप्लेस और गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और इसी तरीके से अगर आप पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं तो एफ़ फाइव प्रेस करने पर वहां पर स्लाइड शो रन करने लगता है अब बात करते हैं एफ़ सिक्स फंक्शन की की अगर आप गूगल क्रोम या मौजिला फ़ायर इस्तेमाल करते हैं और आपको जाना है इनके एड्रेस बार में तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एफ़ सिक्स फंक्शन की को और आप सीधे सीधे एड्रेस बार में जा सकते हैं इसके अलावा मान लीजिए आपने एम एस वर्ड की दो फाइलें एक साथ ओपन कर रखी हैं और आपको दोनों फाइलों को एक एक करके देखना है तो आप इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में एफ़ की को और आप दोनों फाइलों को एक एक करके देख पाएंगे कुछ इस तरीके से और इसी तरीके से एम एस में भी अगर आपने दो फाइलें ओपन कर रखी हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और एफ सिक्स की सहायता से आप दोनों फाइलों को देख पाएंगे अब बात करते हैं एफ़ सेवन की की तो अगर आप एम वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर स्पेलिंग चेक करने के लिए एफ़ सेवन की का इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा अगर आप एम वर्ड में इंग्लिश में टाइप करते हैं और अपने किसी भी शब्द के लिए रिलेटेड शब्द खोज रहे हैं जैसे यहाँ पर बिल्डिंग लिखा हुआ है और बिल्डिंग के रिलेटेड कुछ हम और शब्द खोजना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में एफ़ की को प्रेस कीजिए और आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर रिसर्च बॉक्स खुल जाएगा और बिल्डिंग से रिलेटेड वर्ड्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जैसे स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन हाउस शॉप बिल्ड इत्यादि इसके अलावा F8 फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है विंडोज़ को जब आप इंस्टॉल करते हैं उस समय वहाँ पर बूट कराने के लिए F8 फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं अब बात करते हैं F9 की की F9 की का इस्तेमाल किया जाता है MS Word की किसी भी फाइल को रिफ़्रेश करने के लिए कैसे किया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ एम एस वर्ड में सम फार्मूला मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ पर पाँच और तीन को आपको जोड़ना है या और भी कोई संख्या लिखी हो उसको जोड़ना है तो आप टेबल के सबसे नीचे वाले सेल में जाइए यहाँ पर आप लेआउट पर जाइए कॉर्नर में आपको फार्मूला का ऑप्शन मिलेगा इस पर क्लिक कर दीजिए यहाँ पर आपको फार्मूला पहले से लगा हुआ मिलेगा सम अबव का इसे यहाँ से ओके कर दीजिए अब आप देखेंगे ये सम तो हो चुका है लेकिन अगली बार जब हम यहाँ पे कोई चेंजेस कर देते हैं जैसे पाँच की जगह चार कर देते हैं तो ये ऑटो रिफ़्रेश नहीं होता है यहाँ पर F9 का यूज़ किया जाता है इस फॉर्मूले को रिफ़्रेश करने के लिए वो कैसे करते हैं आप नीचे वाले जो आठ लिखा है उसको सेलेक्ट कीजिए कुछ इस तरीके से और सिर्फ एफ़ प्रेस कीजिए तो आप देखेंगे जो फार्मूला है वो रिफ़्रेश हो जाएगा इसके बाद बात करते हैं एफ़ की एफ़ टेन अगर आप प्रेस करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में तो आप उसका मेन्यू बार ओपन कर सकते हैं तो इस समय आप देख रहे हैं हमारे पास गूगल क्रोम ब्राउजर यहाँ पर ओपन है और इसका अगर मेन्यू बार हमें ओपन करना है तो हम सिर्फ एफ़ टेन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे मेन्यू बार हाईलाइट हो जाएगा और डाउन एरो की की मदद से हम इसका मेन्यू बार ओपन कर पाएंगे अगर आप एम एस वड या एक्सल में काम कर रहे हैं और आप एफ़ टेन प्रेस करते हैं तो वहाँ पर एफ़ टेन प्रेस करते ही आपके जो भी रिवेन है या मेन्यू है उनके ऊपर कुछ लेटर्स हाईलाइट हो जाएंगे और की से उन लेटर्स को प्रेस करने पर वो मेन्यू या रिबिन में से वो टैब ओपन हो जाएगा अब देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑफिस बटन है उस पर एफ लेटर हाईलाइट है और अगर हम एफ़ प्रेस करते हैं तो जो मेन्यू बार है वो ओपन हो गया है इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर जो रिव्यू टैब है या व्यू टैब है उन पर भी लेटर हाईलाइट्स हैं इंसर्ट टैब पर एन लेटर हाईलाइट है और अगर हम एन प्रेस करेंगे तो जो इंसर्ट का जो पूरा रिबन है वो ओपन हो जाएगा और वहाँ भी आपको कुछ लेटर्स दिखाई दे रहे होंगे जैसे पिक्चर के लिए पी और टेबल के लिए टी और टी प्रेस करने पर आप बड़े आराम से टेबल को ओपन कर पाएंगे और आप देखेंगे टेबल में भी कुछ लेटर्स हाईलाइट हो रहे हैं तो इस तरीके से आप एफ़ टेन की के इस्तेमाल से अपने एम एस वर्ड या एक्सल में भी बड़े आराम से काम कर सकते हैं अब बात करते हैं एफ़ एवन फन की की ज़्यादातर ब्राउज़र में हम इसका इस्तेमाल करते हैं अगर हम कोई वीडियो देखते हैं सिंपल हम F11 प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे ब्राउज़र में ऊपर ऑप्शन आ रहे थे जैसे कि एड्रेस बार और भी कई सारी चीज़ें हैं वो वहाँ से चली गई हैं और दोबारा F11 प्रेस करने पर हम पुरानी वाली स्थिति पर आ जाते हैं लेकिन अगर आप एम एस एक्सएल इस्तेमाल कर रहे हैं और आप झट से चार्ट बनाना चाहते हैं किसी भी टेबल का तो आप सिंपल टेबल को सेलेक्ट कीजिए और F11 की को प्रेस कीजिए एक सेकंड के अंदर आप उस टेबल का चार्ट बना पाएंगे अब बात करते हैं F12 की की और ये भी बहुत सारे फ़ीचर्स लिए हुए हैं अगर आप सिंपल F12 प्रेस करते हैं अपने एम एस एक्सएल या वर्ड में तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर आपने फाइल सेव नहीं की है तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सेव का ऑप्शन और अगर आप कंट्रोल के साथ में एम एस वर्ड में एफ ट्वेल्व प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा नई फाइल ओपन करने का ऑप्शन और अगर आप एम एस वर्ड और एक्सेल में शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में एफ ट्वेल्व को प्रेस करते हैं तो आ जाएगा प्रिंट का ऑप्शन जिसके लिए आपको फाइल मेन्यू में जाना पड़ता है तो है ना कितना बढ़िया मज़ा आया होगा आपको ये सीखने में और अगर ऐसे ही मजे वाली चीज़ें आपको और भी सीखनी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे पीसी स्किल वेबसाइट पर जाइए वहाँ पर शुद्ध हिंदी भाषा में हमने ऐसे ही सारे कोर्सेज तैयार किए हैं जो आपके स्किल्स को और भी डेवलप करने वाले हैं इसके अलावा जिस तरह से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिल्कुल वैसे आपको वहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज मिलेंगे और इन कोर्सेज को करने के बाद में आपको आई सर्टिफिकेट भी मिलेगा कोर्सेज का लिंक मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज में इंटरेस्टेड नहीं है आप चाहते कि भाई कोई ऐसी डिवाइस मिल जाए जिससे हमें घर मंगा लें और बिना इंटरनेट के हम सारे कोर्सेज का आनंद ले पाएं तो वो भी उपलब्ध है आप हमारी ये पेन ड्राइव ऑर्डर कर सकते हैं ये पेन ड्राइव आपके टी लैपटॉप आप कंप्यूटर और मोबाइल फोन सभी पे काम करेगी बिना इंटरनेट के आप सारे कोर्सेज को देख पाएंगे और साथ में आपको मिलेगा हमारा ये प्यारा सा एक्सल मक जिसपे एक्सल के ढेर सारे यूजफुल शॉर्टकट कीज हैं साथ में मिलेगा आपको ये माउस पैड जो आपके पास हमेशा रहेगा आपके सामने ताकि आपको एक्सेल चलाने में कोई भी दिक्कत ना हो तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारे सभी ऑफलाइन कोर्सेज को हमने स्क्रीन पे जो नंबर दिया है आप उस पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं